गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू Day 2 ऑफ ऋषिकेश राइड बाइक। अभी हम सुबह सुबह उठ चुके हैं, एक बार बाइक को वार्म अप वगैरह कर लेते हैं, फिर आज हमने निकलना है थोड़ा यहाँ लोकल ऋषिकेश एक्सप्लोर करने। आई थिंक बाइक अभी गियर पे है, न्यूट्रल कर लेते हैं पहले। देख रहा हूँ कि कुछ राइडर्स हमारे लोकल घूमने गए हुए हैं। आई थिंक जो लोग जल्दी सुबह उठ जाते हैं वो तो घूमने निकल जाते हैं, बट हम थोड़ा सा जैसे 10-11 बजे उठ के अब फाइनली निकले। बाइक को हमने अभी कोई ज़्यादा क्लीन वगैरह नहीं किया है, बिकॉज हमारा कल जो है हमने यहाँ से दिल्ली की तरफ निकलना है, तो आज सोचा कि लोकली थोड़ा ऐसे ही घूम लेते हैं, बिकॉज सूखी मिट्टी पर ना कपड़ा मारने से थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह पड़ते हैं, तो हम अवॉइड ही कर रहे थे। कल पानी वानी मार के अच्छे से करेंगे। तो यहाँ से जब हम निकलते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाता है अपना राम सेतु, जो लक्ष्मण सेतु है उस पर काम चल रहा है। राम सेतु पे आप पैदल उस तरफ जा सकते हो, बट हम जानकी सेतु लेके इस तरफ आ चुके हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारे कुछ फ्रेंड्स जो आगे पीछे हो गए हैं उनका वेट कर रहे हैं, बिकॉज आज हमने जाना है बीटल्स आश्रम पे। तो ये जानकी सेतु क्रॉस करती है इस तरफ, ये बीटल्स स्ट्रीट है, यहाँ से अंदर जाके बीटल्स आश्रम है। तो भाई जब आप बीटल्स आश्रम हमने नेविगेट किया ना, तो हम पहुंच गए यहाँ चौरासी कुटिया पे। इसके अंदर ही अपना बीटल्स आश्रम है। कुटिया क्या होती है, जहाँ पहले लोग संन्यास वगैरह करते थे, मेडिटेशन करते थे महर्षि वगैरह, उसको कुटिया कहते हैं। और इसको बीटल्स आश्रम इसलिए कहते हैं कि बीटल्स एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस पॉप बैंड है। वो एक टाइम पे यहाँ पे आया था मेडिटेशन करने के लिए, बट कुछ तो उस टाइम पे जो यहाँ महर्षि होते थे उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लग गई थी मोलेस्टेशन वगैरह की, तो उनका जो ट्रिप है वो यहाँ से कट शॉर्ट कर दिया गया था, और फिर फाइनली ये आश्रम को क्लोज भी कर दिया गया था। 1963 में आश्रम खुला था, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जब बीटल्स बैंड यहाँ पे आया था तो उस टाइम की कुछ फ़ोटोज़ भी हैं यहाँ पे। फिर जैसा मैंने बताया कि यहाँ जो मेडिटेशन करने आई थी उन्होंने महर्षि के ख़िलाफ़ कुछ एलिगेशन लगा दी थी, तो 97 ईयर में ये एक बारी को आश्रम एक बारी गवर्नमेंट ने इसको क्लोज़ कर दिया था। और जैसे मैंने बताया इस जगह को चौरासी कुटिया कहते हैं, तो ऐसी कुछ कुटिया हैं यहाँ पर। ये देखो 84 टोटल हैं, और इसकी खासियत ये है कि ये गंगा नदी के किनारे जो पत्थर मिलते हैं ना, उससे कुटिया बनाई जाती है। तो काफ़ी ठंडी थी ये कुटिया अंदर बाहर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी कुटिया थी ना, सब में अटैच्ड बाथरूम की फैसिलिटी भी थी। भाई आप इमेजिन करो उस ज़माने में इतनी वेल प्लान्ड जगह ये थी, और काफ़ी आर्टिस्टिक जगह है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे पेंटिंग्स मिलेगी। अब ये पता नहीं उस टाइम पे करी है लोगों ने या बाद में। और यहाँ जहाँ हम आए यहाँ पे आई थिंक बीटल्स के उस टाइम पे कॉन्सर्ट होते थे। ये काफ़ी आज के टाइम पर मेरे को काफ़ी पीसफुल जगह लग रही थी। काफ़ी बढ़िया बीटल्स बैंड की फ़ोटो बनी है, साथ में महर्षि जी की फ़ोटो बनी है। और भाई जो भी भाई लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करके डाली थी, तो जल्दी से मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो भाई ऐसे अपडेट्स के लिए। रिवर बेड होता था, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया क्योंकि लोग इलीगली बहुत यहाँ पे रहते हैं, तो वो सारे देखिए बंदा टाइप का वाला बैकग्राउंड वाला लोगों ने अपना मतलब घर बनाया, ये वो बनाया। हाँ, तो कर लिया। सो भाई आश्रम तो अभी हमने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया। ये एक बार आप लोग चेक करो, ये जो आश्रम है ना, ये यहाँ पे एक राजाजी नेशनल पार्क है, उसके एकदम कोने में ही पड़ता है, तो काफ़ी ह्यूज प्रॉपर्टी यहाँ पे। अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई टोटल काफ़िला। एक तो भाई अपने पास यहाँ पे ये KTM है जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे उनकी। सेकेंड भाई ये दूसरा भाई की KTM है। ये भाई हमारा आया था सीधा लखनऊ से ऋषिकेश, तो आई थिंक एक दिन में 600 किलोमीटर कवर करके आए। नेक्स्ट है भाई हमारे गुलशन भाई। ये कह रहे हैं कि ये जो ऋषिकेश राइड पे आए हैं ये सिर्फ टेस्टिंग राइड पे है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसके बाद सीधा लद्दाख सोलो राइड मारनी है। तो आपको क्या लगता है एवेंजर कैसे रहेगी लद्दाख राइड पे? तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कभी इशू करेगी या नहीं करेगी? वैसे तो लोग कहते हैं कि एवेंजर वन ऑफ द बेस्ट क्रूजर्स रही है अपने टाइम पे। आप बताओ कमेंट करके कि कैसी आपके हिसाब से ये बाइक लद्दाख राइड करे। दूसरे ये है भाई अपना रूममेट, इनकी भी ये मीटियोर है और काफ़ी सूट करती है इनकी हाइट पे ये मीटियोर, काफ़ी कंफर्टेबल। भाई ये है अपना दिल्ली जनकपुरी का लौंडा, ये हो गई इनकी बुलेट। उसके बाद भाई फाइनली आ जाती है हमारी अपनी बुलेट। इसको हम यहाँ से लेके निकल रहे हैं, और अब हम अपना नेक्स्ट स्टॉप पर सोच रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। एक तो हमने सोचा है कि एक नीर वाटरफॉल है वहाँ जा सकते हैं, या फिर 1-2 पॉइंट्स और हैं वो सोच रखा है। तो अभी लोकल एरिया को एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं क्या करना है। बट अभी फाइनली तो ये डिसाइड हुआ है कि थोड़ा भूख लग रही है तो पहले लंच करना है। तो तो गाइस परमार्थ आश्रम क्रॉस करके ये देखो यहाँ पे बहुत ही सुंदर वाइट सैंड बीच आ गया है। तो जैसे ही आप कमर्शियल एरिया थोड़ा बहुत क्रॉस करते हो तो आपको ऐसे काफ़ी सारे पीसफुल पॉइंट्स मिल सकते हैं जहाँ पे आप बैठ के आराम से चिल कर सकते हो गंगा किनारे। और यहाँ पे सामने राफ्टिंग वगैरह भी हो रही है। हमने तो राफ्टिंग इस बार नहीं करी, थोड़ा बहुत सेफ्टी इशूज़ के चक्कर में। बट और अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने लंच के लोकेशन पर जहाँ पे यहाँ पे काफ़ी सारे गंगा व्यू के कैफ़े थे। तो यहाँ हमारा नॉन का एक कैफ़े था, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी हम देखो यहाँ पे आए हैं तो सामने गंगा नदी का बहुत ही खूबसूरत व्यू है। काफ़ी अच्छा क्राउडेड थी ये जगह। इसके रेस्टोरेंट का नाम था गंगा व्यू कैफ़े। डबल स्टोरी है, नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है, अपर फ्लोर भी है। सामने बढ़िया राफ्टिंग वगैरह चल रही है। तो अगर आप ऋषिकेश आते हो तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेन्यू बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सारी वैरायटी है। फूड रेटिंग की बात करूँ तो आई विल रेट 3.5 आउट ऑफ 5। पर ये देखो भाई सामने ये राफ्ट से इनको लगता है कूदने को बोल दिया। तो हम यहाँ से थोड़ा बहुत इनको चिल्ला के आवाज़ें भी मार रहे थे और ये भी ऐसे रिएक्ट वगैरह कर रहे थे। और जो भी बढ़िया राफ्टिंग करता है आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यार। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे देखते देखते यहाँ से इतनी सारी राफ्टें जा चुकी हैं। उससे आइडिया लग सकता है कि एक दिन में लोग कितना ज़्यादा राफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। बाहर गर्मी क्यों ना हो बट पूरा राफ्ट करके एकदम बंदा ठंडा पड़ जाता है। तो भाई हमने लंच वगैरह कर लिया और अब हम यहाँ पे सारे राइडर्स एक बार ही कोई इकट्ठे हुए हैं। बिकॉज अब क्या है, दो ग्रुप्स बन रहे हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि उनको अपना वाटरफॉल या कुछ और टूरिस्ट पॉइंट्स देखने जाना है और एक ग्रुप कह रहा है कि उनको थोड़ा रिलैक्स करना है। बिकॉज सुबह से हम लोग बाहर आए हैं, पहले बीटल्स आश्रम गए, लंच किया, काफ़ी टाइम बाइक भी इधर उधर चलाई है। तो अभी हम लोग जो हाफ ग्रुप अपना गंगा व्यू एंजॉय करना चाहता है तो हम लोग बीच पे जाने के लिए हमने यहाँ पे अपनी बाइक्स पार्क कर दी और हम लोग अब यहाँ से सीधा नीचे चलेंगे। यहाँ सामने बाबा जी बैठे थे जिनसे हमने पूछा कि नीचे जाने का रास्ता क्या है। वैसे तो कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था तो हमने एक अच्छा रास्ता लेके अब हम नीचे जा रहे हैं। काफ़ी डर लग रहा था मुझे क्योंकि मैं स्लीपर्स में था, मैंने शूज़ स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह नहीं पहने थे। बट फाइनली हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का व्यू कितना सही है। लाइक एक बार को तो पूरा गोवा वाली फीलिंग है। और गोवा में भी इतने अच्छे वाइट सैंड और क्लियर बीचेस जो टूरिस्टी पॉइंट्स हैं वहाँ तो नहीं मिलते हैं। उधर चलते हैं पानी में। नहीं नहीं यहाँ ठीक है। नहीं नहीं ठीक है यार, क्यों जाना। तो गाइस गंगा नदी में बढ़िया टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम सीधा जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। बिकॉज हम लोग 8, 8:30 बज चुके हैं। हमें डिनर भी करना है और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, दिल्ली के लिए निकलना है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ day 3 ऑफ द ऋषिकेश राइड। सुबह सुबह हम सब लोग उठ के आ चुके हैं और जितने भी राइडर लोग हैं सब अपनी अपनी बाइक को ही चेक कर रहे हैं। ये रूम हमने ऑलमोस्ट पैकिंग वगैरह सब कर लिए है। मेरा गेयर वगैरह यहाँ पड़ा है, अपना बैग्स वगैरह पड़े हैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू लीव। आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है। नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है। अब यहाँ से सीधा निकलेंगे, चेकआउट करेंगे, गेयर अप होके मिलते हैं। बाइक सुबह क्लीन वगैरह कर ली थी। आज संडे है तो रास्ते में हरिद्वार एक बंदे के लिए रुकना है, उसके बाद सीधा लंच, उसके बाद सीधा दिल्ली। सो भाई बाइक पे बैग्स वगैरह माउंट कर दिए हैं। बेसिक क्लीनिंग बाइक की हमने कर दी है और ऑलमोस्ट वी आर रेडी टू लीव। तो जैसे ही सारे रेडी हो जाएंगे हम भी अपना गेयर वेयर पहन के निकल जाएंगे। कितनी देर लगेगी? 1-1.5 मिनट, 2-2.5 मिनट लग जाते हैं। हम करेंगे शायद जल्दी हो जाए। बनवाई होगी अपनी बस में, कुशनिंग भी करिए, खाली कवर लगाया। हार्ड फोम है, हार्ड फोम है, नहीं लगाया भी उसने हार्ड ही है जान के, लॉन्ग राइड के लिए। ये फिटिंग देखो, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, फिटिंग वगैरह प्लस ये सब कस्टमाइजेशन, सिग्नेचर वगैरह सब सही है। लो भाई, हम लोग फाइनली ऋषिकेश से निकल चुके हैं। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऋषिकेश। 2 दिन यहाँ पे बहुत बढ़िया बीते, पता ही नहीं चला भाई। अप्रैल मई की गर्मी में आए तब भी इतना तगड़ा टूरिस्ट मिला। मुझे कई लोगों ने बोला भी कि भाई गर्मी में राइड क्यों कर रहे हो, बट देखो भाई, जिसको राइड करनी है वो तो किसी भी मौसम में राइड करेगा। एंड लकीली यहाँ पे शाम में मौसम अच्छा हो ही जाता था, प्लस इतना अच्छे से क्राउडेड था। और हम लोग भी क्योंकि फ्राइडे सैटरडे थे तो टूरिस्टों का काफ़ी क्राउड था। तो एक बार भाई आखिरी बार जाते जाते गंगा नदी को यहाँ से बाय बाय कर देते हैं। हालांकि जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो हरिद्वार है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि एक राइडर है जो कि कपल है, वो हमें हरिद्वार में ही मिलने वाले हैं। तो हम सब पहले वहाँ जाके उनका एक बार वेट करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से हम अपना दिल्ली की राइड कंटिन्यू करेंगे। तो दिल्ली में जाके कुछ राइडर्स दिल्ली जाएंगे, कुछ नोएडा जाएंगे, कुछ गुड़गांव जाएंगे, कुछ गाज़ियाबाद जाएंगे, ऐसे कुछ जनकपुरी वाले। तो ऐसे अलग अलग सबकी डेस्टिनेशन है, लेकिन एटलीस्ट हमने डिसाइड किया है कि बॉर्डर तक, दिल्ली एंट्री तक हम लोग ऑलमोस्ट साथ ही रहेंगे। सो भाई हम लोग ऋषिकेश छोड़ के फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से हमें कुछ पौना घंटा ही लगा यहाँ पे आने में। रास्ते में थोड़ा बहुत जाम था, तो भाई राइड कर रहा था तो मैंने रुक के थोड़ा बहुत जाम सुलझाने की कोशिश करी। और अब हमारा जो लास्ट राइडर है वो भी हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर चुका है। आप एक बार ओवरऑल जो लुक्स है बाइक की वो चेक करो, अपनी बुलेट की लुक बताओ, कमेंट करके बताओ कि बाइक की लुक आपको कैसी लग रही है। और जो भी मैंने मॉड्स किए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। एक बार बाइक को चेक कर लेते हैं कि जो बैग है उसमें कोई मूवमेंट तो नहीं है। चलो भाई अब यहाँ से फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज गर्मी बहुत है और यहाँ डायरेक्ट सनलाइट के नीचे हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ से अब निकलेंगे और नाश्ता क्योंकि हम लोग करके निकले हैं, तो आई थिंक उसके बाद शायद थोड़ा बहुत चाय पानी के ब्रेक पे मिलेंगे या फिर सीधा लंच पॉइंट पे मिलेंगे। हमने 100-150 किलोमीटर क्रॉस कर लिया, बट भाई गर्मी बहुत है। डायरेक्ट सनलाइट के नीचे हम लोग हैं और सुबह 12 बजे निकले हैं। तो भाई मेरे को इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है कि मैं जितना ज़्यादा पानी पी सकता हूँ वो पी रहा हूँ। और मुझे ये गन्ने का जूस मिला, तो मैंने भाई को बोला कि यहाँ रुकते हैं, भाई पहले गन्ने का जूस पीते हैं। और भाई एक नंबर गन्ने का जूस पीते ही आपकी जो बॉडी में एनर्जी ड्रेन हुआ था सनलाइट की वजह से, गन्ने का जूस या पानी पीने से एकदम एनर्जी वापस आ चुकी है। नेक्स्ट हम अब अपना यहाँ पे आ चुके हैं, अपना लंच वेन्यू पे। तो सबको हमने बोल दिया था कि सीधा यहाँ पे नैवेद्यम है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी हैं, लाइक किसी को बर्गर्स वगैरह भी कुछ भी खाने हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा था यहाँ पे स्टॉप लेंगे। फिर लंच करने के बाद हम लोग दोबारा स्टार्ट कर गए और नेक्स्ट ये मेरठ के पास अब पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर बिस्ट्रो काफ़ी फेमस है, मैं दिल्ली से यूजुअली राइड करता हूँ, यहाँ पर भी आता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को दोबारा गर्मी लगी, तो मैंने भाई को बोला अब मेरे को शिकंजी भी नहीं है। तो भाई तो परेशान हो गया, भाई कभी किसी चीज़ के लिए रोक रहा है, कभी किसी चीज़ के लिए। बट इट्स टू मच सनलाइट और डिहाइड्रेशन होती है। वहाँ से थोड़ा और चलने के बाद हम ऑलमोस्ट दिल्ली बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से किसी लोगों को नोएडा जाना है, किसी को गाज़ियाबाद जाना है। तो यहाँ से हम फाइनली सबको सी ऑफ करके भाई और मैं निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारा जो घर है वो दिल्ली में है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है। तो हमारा रूट सबसे अलग था। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के पास। बहुत ही शाम खूबसूरत है। अपने शहर में पहुंचने की एक अलग ही खुशी है, माना ट्रैवल करने की भी एक फील थी, बट अपने होम टाउन में पहुंच के अलग ही एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। घर वालों का एक खूबसूरत सा वेलकम मिला। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कॉमेंट छोड़ के जाना, और प्लीज़ कमेंट करना कि आपको जो बाइक के मॉड्स हैं ये सब कैसे लगे, मेरी ये ट्रैवल सीरीज़ कैसे लगी। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।